गाइज आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम बेसन से बिल्कुल नहीं बना रहे और बहुत ही डिफरेंट है तो so, चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं आधा कप बारीक कटा धनिया लिया है एक हरी मिर्ची ली है तीखी वाली है और वन फोर चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिया है ये एक बर्तन में डाल देंगे एक प्याज डालेंगे एकदम फाइनली कट करना है एक चम्मच ये है अनारदाना क्रश किया हुआ अनारदाना लेना है आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालनी है एक चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक वन फोर चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालना है थोड़ा सा हींग डाल देना है और ये है मकई का आटा तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे डेढ़ कप मक्की का आटा लेना हल्का दरदरा आटा हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है सारी चीज़ों को हम पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये हमने गर्म पानी लिया है इसका आटा हम गर्म पानी के साथ लगाएंगे तो पानी डालने के बाद आप चम्मच से पहले मिक्स कीजिए तो जैसे हमने डेढ़ कप आटा लिया है ना तो इसमें थ्री फोर्थ कप पानी आराम से लग जाएगा तो आप थ्री फोर्थ कप पानी गरम थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स कर दीजिए फिर जैसे ही आटा हल्का सा ठंडा हो जाए ना कि आप इसे हाथों से अच्छे से मसल पाओ तब बस आप हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स करके इसका सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लीजिए तो ये आटा आप देख सकते हो लग चुका है इस आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अब चलिए हम बनाते हैं इससे मिससा रोटी तो आटे की लोई ले लीजिए आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस अकॉर्डिंग आप लोई ले लीजिए इसे हम कोट कर लेंगे सूखे आटे से और हल्के हाथों से बेल लेंगे मैं छोटे छोटे साइज़ की रोटिया बना रही हूँ आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हो तो इस तरीके से जब हम रोटी बनाते हैं तो साइड्स में हल्के से क्रैक आता है तो आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए उसे इस तरीके से रोटी को कट कर लीजिए इससे क्या होगा ना आपकी रोटियाँ ईवनली बनेगी जो दिखने में भी अच्छी लगेगी साथ ही में खाने वाले को भी मज़ा आएगा तो इस तरह की मैं छोटी छोटी रोटियाँ बना के जो है ना तैयार कर रही हूँ आप चाहे तो सारी रोटियाँ एक साथ बना के तैयार कर लीजिए और उसे हल्के से गीले नैपकिन से कवर करके रख दीजिए और जब आपको सेकना हो ना तब आप आराम से इस सेक सकते हो तो आप देख सकते हो इस तरीके की छोटी छोटी रोटियां मैंने बना के तैयार कर ली है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मक्की के आटे के साथ मिससा रोटी का फ्लेवर जो आता है ना उसकी बात ही कुछ और है और ये वाली रेसिपी इंस्पायर हूँ मैं शेफ अजय चोपड़ा से उनकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद आती है अगर आपने उनका चैनल अभी तक विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट करना उनकी रेसिपीज़ अमेजिंग होती है आप भी ट्राई कर सकते हो पर मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से वेरिएशन दिया है थोड़ा बहुत वेरिएशन तो बनता ही है अभी रोटी पहले दोनों तरफ से हमने ना सेक ली है उसके बाद हम घी लगा के इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे जैसे इस तरीके से मैंने इसे गैस पे सेका है ना दोनों तरफ घी लगा के आप उस तरीके से पहले रोटी को तवे पे सेक लीजिए उसके बाद डायरेक्ट फ्लेम पे सेक के उस तरीके से भी खा सकते हो उस तरीके से जब रोटी बनाते हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और इस तरीके से बनाते हैं ना वो खस्ता टाइप की बनती है आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ तो इस तरीके से आप रोटिया ना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और अब हम सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे जो हम बेसन वाली मिसा रोटी बनाते हैं ना उसका फ़्लेवर काफ़ी अलग होता है जब हम वो मक्के के आटे के साथ बनाते हैं ना तो उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है बहुत बढ़ जाता है तो अगर आपने आज तक इससे पहले ये वाली रेसिपी कभी ट्राई नहीं करी है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें जो हमने प्याज हरी मिर्ची अदरक मक्की के आटे का जो फ्लेवर है ना मिक्स हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गेस्ट को खिलाएंगे ना वो भी पक्का आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे तो आप ट्राई करना और इसको आप चाहे तो अचार के साथ दही के साथ या मटर की सब्जी के साथ आलू की सब्जी के साथ या फिर आप इसे दाल तड़का या कड़ी के साथ सर्व कर सकते हो बहुत टेस्टी लगती है तो ये तो मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना